रमजान के महीना चल रहा है और कहीं ना कहीं रमजान के महीनों में एक ऐसी घटना हो जाती है कि दिल दहला देता है। सोचने वाली बात होगी। अभी हम यही उसी परिजन के घर पे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ बताया जा रहा है कि रमजान के महीनों में लड़का खेल रहा था ड्रीम इलेवन और ड्रीम इलेवन में जीत लिया कुछ पैसा, हो गया उसके साथ कुछ ऐसी घटना कि भैया घर का बुझ गया चिराग। सोचने वाली बात होगी क्यों हुआ ऐसा, किस लिए हुआ, जानेंगे यहाँ के परिजन से। मैं बता दूं कि भैया अभी हम मौजूद हैं अररिया डिस्ट्रिक्ट के नरपतगंज प्रखंड अंतर्गत बाबुआन पंचायत में। यहाँ पे दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है और यहाँ दिखा सकते हैं, पूरा घुमा के दिखा दीजिए। यहाँ के लोग हैं, यहाँ के परिजन हैं और यहाँ कहीं ना कहीं मातम छाया हुआ है। सोचने वाली बात होगी कि भैया ड्रीम इलेवन तो खेलता है, लोग खुश होता है, पैसा उनसे जीतते हैं, हारते हैं, लेकिन इस रमजान के महीना में ऐसा क्या हो गया उसके साथ कि इस प्रकार की मातम छा गई। यह देख सकते हैं वह लड़का का यह माजी है, इनसे हम जानना चाहेंगे ऐसे क्यों हुआ, क्या हुआ। क्या नाम है आपका? परेशा खातून। क्या हुआ आपके साथ, ऐसा क्यों रो रहे हैं, क्यों इस प्रकार से? हमको बेटा का फोन किया बलिया ललके इन्ना सु कहिया इन्ना सु कहिया, तो कहे नहीं जब हमारी गाड़ी खराब भैग ले तो यहाँ कहे रुक हम पैसा आप क्या कहा पैसा आप क्या गेले हमारे बाबू हम चर्च खड़े गेले ना घूर का आप 6 बजे तकर बाद फोन लगवा लग लिया 8 बजे फोन लागे मोबाइल बंद कच्चे कतो गेल अत संग साथी के संग में पार्टनर के संग में आब अत तब अत 10 बजे फिर वो लड़का आये कहे तोर इबरान कहाँ छो जे लड़का आके बेटा का खत्म कर दिल के वह लड़का ले आ गेले कहे तोर इबरान कहाँ छो हम कहे के छे रे कहे हम छे चाची नहीं चिन्हे छी मिल वाला छे चूड़ा मिल वाला के बेटा कहे चिन्हे छु से कत गेलो कहे के गेले 6 बजे ले आ गेले कहाँ अले अच्छा ओकरा लग कलियर की रिचार्ज करबे 5000 के फोन लगेलियो ना लागलो ना तब हम अलियो अलियो ना कलियर छे घरे पर देखबे फोन ना लागले त तब अलिये अच्छा एतो ने कोनो हमरा लग भेज दिया कलियर अच्छा कोई बात नहीं आ जा दोपहर भेले 12-1 बजले त अन्ना दून मोबाइल में मैसेज दिया लागले लड़की लेके भाग गेलियो तो पटना चल गेलियो तो एत चल गेलियो तो एत चल गेलियो और दोसर लड़का जे लड़का खत्म कर लड़के लड़का अहाँ सबके नंबर पर मैसेज भाजे कि लड़की लेके भाग गेलियो एने ओने कर ली। हाँ लड़की लेके भाग गेलियो पटना चल गेलियो हमर सब भूल भाग लो गलती भाग लो माफ कह दिया 4 रोज के बाद घरे में चो सब दिन मोबाइल खोले सब दिन मोबाइल खोले वही मोबाइल जे लड़का के यहाँ के लड़का के पास रहे कतरो इन्ने स्कैन कर बिरमना के गा के कल बातो क्या के सुनी आ दे तो बात नहीं करे मैसेज सिर्फ भेजे लेकिन बात नहीं करे कतनो कानियन के खाली मैसेज नहीं सुनबे ना बुझबे के चने छे बात कर बात नहीं करे हमरा बात करे में शर्म लागे छे खाली मैसेज दे अहाँ के बेटा के मोबाइल से लड़का मैसेज करे कि हम लड़की लेके भाग गेलिए लड़की लेके भाग गेलिए पटना चल गेलियो मोटरसाइकिल के कखनो मैसेज दे कखनो स्कॉर्पियो के मैसेज दे तो आ चक्कर हमरा आर कनी अलबले आ गेलिए बुझलिए कि कतो हेते हमर बेटा सुरक्षित छै कतो कहलिए कतो हेते सुरक्षित छै त आइन काल काल न परसु घुर के जब थाना ले गेले डिटेल मोबाइल से निकाल के त 6 बजे से फोन भए छोड़ा के तब ओकरे पकड़ल के 3 बजे से लाग 6 बजे ओकरे फोन त ओकरा पकड़ल के पकड़ल के त पहिले थाना से छोड़ा के बाप के पकड़ के ले गेले बाप के पकड़ के ले गेले त कहल के बेटा घाइर करबा तब ले तब छोड़बा तोरा तब बेटा घायर कर लगे तो बेटा बाप को छोड़ दिल के बाप को छोड़ लगे तो बेटा कतनो थाना मारे पीटे बकवेन करे जब घटना कर लगे आ फिर बेटा अगर बाप बेटा घटना कर लगे तब बेटा कहे पुलिस संग हमरा छोड़ दे चला गाड़ल छम बाड़ी में देखा दो हमर बाप उ लड़का कहल के लड़का कहल के हमर बाप मर्डर कर लक बापे मर्डर कर लक हां कहल के हमर बापे मर्डर कर लक नून औरिया मिला के दे के बहु बेरात कर दिल को गे सोच सकते हैं या माँ की स्थिति को देखिए माँ की जो है आज कहीं ना कहीं गर्भ को उजार दिया गया रोज सुनी हुई चुकी है। इस माँ जो है ना कहीं ना कहीं 9 महीने अपने बच्चों को गर्भ में पालती है और उस माँ की जो है ममता आज देख सकते हैं रो रो करके बुरा हाल है और इसकी बच्चा को जो है ना भैया बुला करके खत्म कर दिया। सोचने वाली बात। अच्छा यह जो घटना हुई है कि बताया जा रहा है कि वह लड़का जो है जो एक्सपायर कर गए जिसको खत्म कर दिया गया है वह ड्रीम इलेवन खेलता था और उसके चक्कर में ही उसके परिजन जो मारा पीटा है जो खत्म कर दिया है वह उनसे पैसा उसा के चक्कर में जो है उसको मार दिया है। यह सत्य है क्या? सच्चे यही बात है। पैसे चक्कर मार लग पैसे चक्कर कल कह रहे तोरा के ओता छी सब गड़ा एता लाश मिललो है फलना के बांस में जे छोड़ा के ले गेलो ओकरे पछोरा में छोड़ है तब जाके ओता सबटा जब दौड़ला तो उखाड़ के गाड़ी में बजलक
अड़रिया लेके अड़रिया लाए थे कत लाए थे अल्लाह के मालूम। अगर जब ये नियत नहीं रहे ओकरा भाग के नियत नहीं रहे तो बच्चा के क्या जब समाज के क्या ना मंगेलके ओठिना जे सर जमीन कान कर लके 10 बड़ा के ओठिना साइन कान लेलके जे हमर बच्चा के ई हाल कर लके ई हाल कर के गेले उन्ने हमरा के भेज देलके पूरु पछि मारा उ यानी वह प्रशासन आदमी जे सम कोढ़ेत रहे जे सम जान ले वह सब तो भेज देलके हमरा ई हाल से भेले के जा तक ओकर हाथ नहीं छे जा तक ओय में घुस ना खेलके ता तक ई क्या भेले एकर ना बेटा बोले वाला छे ना एकर घर वाली बोले वाला छे एकरा घर में कोई ना छे काम करदा एकरा घर में कोई ना छे एकटा वाट बच्चा चंगला रे कोई पढ़ल ना छे सब बच्चा जाहिल छे सब जाहिल छे इसम कमाते कमाते ते खेते ना कमाते तो सोच सकते हैं यहां की दर्द को समझ लिए होंगे। यह दीदी सारी घटना बताने का प्रयास किए पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं अपना दायित्व को पूरा करते हुए बॉडी को बरामद करते हैं लेकिन यहाँ अपना दायित्व भी भूल जाते हैं कि भैया परिजन को नहीं बताते हैं। दूसरी बात है कि जो लड़का को पकड़े थे कहीं ना कहीं उसको छोड़ दिए वो या भाग गया इस चीज़ का पुष्टि तो यह ताबड़तोड़ न्यूज नहीं करता है लेकिन ये लोग बताते हैं कि उनको निया की हिरासत में नहीं भेजा गया और कहीं ना कहीं उसको भगा दिया गया। सोचने वाली बात है और देख सकते हैं लोग जो हैं अपने अपने आँखों में आंसू भरे पड़े हैं और ये लोग आँख नम किए हुए हैं इसलिए कि कहीं ना कहीं इसका घर का चिराग आज बुझ चुका है। सोचने वाली बात है 18 वर्ष का एक लड़का को कहीं ना कहीं उसके दोस्त जो है बेरहमी से खत्म कर दिया। सोचने वाली बात क्यों होता है ऐसे मेरे दोस्त क्यों होता है ऐसे। क्या नाम है सर आपका? हम शमशाद। आपका घर कहाँ है? मेरा घर अरहा। अरहा। अच्छा यह बताइए कि यहाँ जो यह घटना हुई है एक दोस्त ने दोस्त का कत्ल कर देता है यह क्यों होता है कैसे होता है? ये समझने की बात है हर आदमी को इंसान है तो इंसानियत का सबूत देना चाहिए लालच नहीं करना चाहिए वो भी इंसान है हम भी इंसान है। ये जानवर की हरकत जो किया है मैं कहना चाहता हूँ कि प्रशासन और जो एमपी एमएलए हैं यहाँ के उनसे मैं इंसाफ की दरखास्त करता हूँ कि फौरी तौर पर इंसाफ किया जाए। सोच सकते हैं या भाई साहब जो भी बोले इंसाफ की गुहार लगाते हैं कि कहीं ना कहीं यह दुखियारा घर जो है परिजन जो है यहाँ के लोग जो हैं इनकी कहीं ना कहीं जो मजबूरियां हैं उनको समझा जाए और हम भी अररिया पुलिस प्रशासन से जिला अधिकारी से डीएम साहब से एसपी साहब से नम्र निवेदन करता हूँ कि भैया यह जो है जांच की विषय है और यहाँ कहीं ना कहीं बारीकी से जांच करनी चाहिए और इस परिजन के जो भी समस्या है इनको सुनना चाहिए देखना चाहिए और इसमें जो भी दोषी हैं उसके ऊपर उचित कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इस प्रकार की समस्या इस प्रकार की घटना दोबारा कहीं ना हो क्योंकि ऐसा घटना लगातार होते जा रहा है कभी यहाँ होता है कभी वहां होता है पूरा बिहार में होता है और अपराधियों का मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ा जा रहा है। अभी चुनाव का माहौल है आचार संहिता लागू है और कहीं ना कहीं रमजान भी शुरू है भैया इस बीच में अपराधी बेखौफ अंदाज में हत्या कर देता है किसी को दर्द होता है सुन के कहीं ना कहीं अपने आप में जो है टूट जाता है लोग। ऐसा क्यों होता है भैया? एगो मुर्गी मारने के लिए लोग को सोचना पड़ता है लेकिन यहाँ लोग एक दूसरों को मारने के लिए अपना इंसानियत धर्म को खत्म करने के लिए बाज नहीं आते हैं किसी को खत्म कर देते हैं। सोचने वाली बात है इस प्रकार की घटना जो होती है और यह घटना के बारे में यह ताबड़तोड़ न्यूज इस घटना को पुष्टि नहीं करता है यह प्रशासनिक मैटर है प्रशासन जांच करे और उचित कार्रवाई करे। आप लोग क्या सोचते हैं ऐसी ऐसी घटना के बारे में कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा और इस पोस्ट को इस न्यूज को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि भैया अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और यह जानकारी मिले और ताकि हर व्यक्ति हर दोस्त सावधान हो जाए अपने दोस्ती के पीछे इस प्रकार की घटना हो सकती है। इसलिए भैया दोस्ती तो कीजिए लेकिन विश्वास उतना ही कीजिए जितना चलता है। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट के जरिए बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए ताबड़तोड़ न्यूज ताबड़तोड़ अंदाज में ताबड़तोड़ रिपोर्टिंग हमेशा जारी रहती है। जय हिंद जय श्री राम।